So children, this is chapter number 44 and the name of the chapter is Branches of Science. Discuss and solve the crossword puzzle below on the various branches of science. So, यहाँ पे साइंस की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारे जो डिजीजेस के बारे में पढ़ना, उसे ही हम ब्रांचेस ऑफ साइंस कहते हैं. सो ये ऑल्सो यू कैन सी दिस इज अ क्रॉसवर्ड पजल. डाउन एंड अक्रॉस बोथ आर गिवन हियर. सो लेट्स कम टू द डाउन वन. The branch of medicine that deals with the treatment of wounds. So, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ मेडिसिन को क्या कहते हैं जिसमें बोन्स के ट्रीटमेंट की बारे में बात होती है. सो इट इज कॉल्ड ऑर्थोपैडिक्स. सो लेट्स राइट हियर ओ आर टी एच ओ पी ए ई डी आई सी एस ऑर्थोपैडिक्स. नेक्स्ट थर्ड वन, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम. उस ब्रांच ऑफ मेडिसिन को क्या कहते हैं जिसमें नर्वस सिस्टम से को कैसे ट्रीट किया जाए उसकी पढ़ाई होती है. एंड इट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी रिलेट्स विद नर्वस सिस्टम. सो हियर लेट्स राइट एन ई यू आर ओ एल ओ जी वाई. इट इज न्यूरोलॉजी. Next one, let's move on to a cross column. The branch of science that deals with the treatment of the eyes. तो eyes के treatment के science को, the branch of science को हम क्या कहते हैं? It is called ophthalmology. So let's write here. O is already written. P H T H A ophtha L mo लॉजी. नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन. द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे ट्रीट करना है वो पढ़ाया जाता है. इट इज कॉल्ड गैस्ट्रो एंटरोलॉजी. सो लेट्स राइट हियर गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी. सो आई होप चिल्ड्रेन यू हैव अंडरस्टूड दीज. नाउ द रेस्ट दैट आर रिमेनिंग हियर यू हैव टू कंप्लीट ऑन योर सेल्फ आफ्टर रीडिंग द गिवन इंफॉर्मेशन.